अगर आपका 18 आवर्स का स्टॉप ओवर है इन अबू धाबी तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा काफ़ी ऐसी जगहें जहां पर आप अबू धाबी में जा सकते हैं और ऐसी अमेजिंग थाली कहां से खाएंगे। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज़ीशान खुर्रम और जनाब मैं पहुँच चुका हूँ जी अबू धाबी। मेरा 18 आवर्स का स्टॉप ओवर है तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर अबू धाबी के अंदर। आप पीछे देख सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू क्योंकि आई हैव सीन अबू धाबी सो मेनी टाइम्स, बट फिर भी देखते हैं क्या करते हैं आज। सो गाइस, इट वाज प्रीटी इजी, पासपोर्ट स्कैन करें और आज स्पेशली इफ यू आर रिटर्निंग विजिटर, कस्टमर है तो रिटर्निंग विजिटर टू द यूएई। नाउ एग्जिट, क्योंकि सामान लेना नहीं है। सो जी, सबसे ज़रूरी काम होता है पैसे चेंज कराना, वो करा लिया और अब आई एम गोइंग टू डू समथिंग व्हिच आई हैव नेवर डन बिफोर। आई एम गोइंग टू टेक लोकल बस, आई एम गोइंग टू ट्राई दैट सर्विस बिकॉज आई हैव हर्ड सम ग्रेट रिव्यूज। समबडी जस्ट टोल्ड मी कि बहुत अच्छी बस है एंड यू शुड ट्राई इट एंड इट्स ओनली 4 dirhams, सो व्हाई नॉट, आई हैव द टाइम। सो हमेशा ऊबर और टैक्सी लेते हैं, इस बार की बस देखते हैं। लेट्स गेट द बस टिकट, आई विल शो यू हाउ बाय एंड अबू धाबी बस। सो आई थिंक दिस इज द प्लेस। मैंने टिकट ले लिया मिनिमम 20 मिनट्स। ओके, थैंक यू। सो अब उन्होंने मुझे टिकट दे दिया, इसमें 10 dirham डाल दिए। आई गेस वी विल जस्ट वेट हियर विद द टिकट एंड देन एज सून वो आएगी फिर चले जाएंगे क्योंकि टाइम ही टाइम है भाई। सो गाइस, आपको जो टैक्सी है वो लेती है तकरीबन यहाँ से 99 to 100 dirhams टू टेक यू टू सेंट्रल अबू धाबी। बस टेक्स 480, 4 dirham ओनली। खैर, आई एम आउटसाइड और गर्मी एकदम फील होती है, ऑल्दो इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही, बट सो फार इट फील्स नाइस क्योंकि बिल्कुल एसी से बाहर निकल गए हैं। सो इट वॉज़ प्रीटी ईजी, आपने सिंपली कार्ड टैप करना है और उसने मुझे 4.5 dirham चार्ज किए हैं। और ये रास्ता अल ऐन, अबू धाबी, दुबई तीनों तरफ जाता है। आगे से ऑब्वियसली टर्न ले लेंगे तो दुबई की तरफ चला जाएगा, हम लोग सीधा आगे थे अबू धाबी की तरफ। सो रोड्स काफ़ी साफ़ हैं और देखते देखते जी शेख जायद मॉस्क भी आ गई थी और तकरीबन आधा घंटा मुझे लगा था सेंट्रल पहुँचते हुए। सो गाइस, बस ने उतार दिया है भाई मिडल ऑफ समवेयर, आई डोंट नो, मैं भी आई एम ट्राइंग फिगर आउट कि मैं कहाँ पर हूँ एग्जैक्टली बिकॉज आई डोंट हैव इंटरनेट एंड तपती धूप पड़ी है और ये एरिया है, बट आई नो इट्स लाइक सेंट्रल बिकॉज इट्स लाइक वहदत मॉल एंड अ लॉट ऑफ अदर मॉल्स नियर बाय। सो है एंड पीपल आर एक्चुअली कैरिंग अम्ब्रेलास हियर जस्ट धूप से बचने के लिए, तो मैंने तो सड़ जाना, काला हो जाना मैंने। सो गाइस, ये मिलेनियम अल वहदत होटल है और साथ ही इसके मॉल है और मैं उसके ऑपोजिट साइड पे आ गया हूँ। आई एम गोइंग टू टेक एन उबर फ्रॉम हियर बिकॉज गर्मी बहुत है भाई, बस में नहीं दोबारा बैठ सकता। सो लेट्स जस्ट सी के उबर कब आएगी, क्योंकि उबर वाले को समझ ही नहीं आ रही मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। वियर्डली आई वाज जस्ट यू नो वॉकिंग अराउंड एंड आई जस्ट केम अक्रॉस द मॉल, तो आई थॉट कि आई एम नॉट गोइंग बैक बिकॉज धूप इतनी ज़्यादा होती। माई कार इज हियर, सो लेट्स गो, लेट्स माय कार। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अजीब काम कर दिया ने, अब गाड़ियाँ पास नहीं जाने देते, पीछे से उतारे हैं विजिटर को, स्पेशली ऊबर्स और स्पेशली ऊबर के लिए पीछे से उतारे हैं, तो अब मुझे गर्मी में चल के जाना पड़ रहा है। बट नई चीज़ पता लगी है कि इफ़ यू आर विजिटिंग द मॉस्क देन वो सामने आपको तो ग्लास डोम नज़र आएगा काफ़ी बड़े साइज़ का, वो आप बेसिकली उस पर जाते हो एंड देन अंडरग्राउंड जाके फिर आते हो। बट इफ़ यू वॉन्ट टू प्रे, क्योंकि मैंने सुना था मैं नमाज पढ़नी है, तो फिर आप यहाँ से जा सकते हो। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना पीछे जाने वाली तो भाई मेरी कोई हालत नहीं थी। This is the entrance. So guys, basically आप जब यहाँ से एंटर होते हैं वो आपका बैग हर चीज़ चेक करते हैं
एंड ऑब्वियसली उसने मुझे कहा था कैमरे का माइक और फ्लैश लाइट रिमूव कर दो, बट ऑब्वियसली अटैच है GoPro है सो वो नहीं मैं दिखा सकता। इट्स क्वाइट हॉट सो लेट्स गो इनसाइड, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर नमाज पढ़ के उसके बाद वापस आते हैं। मैं यहाँ पर अपना बैग रखा हुआ है, अभी मैं बिल्कुल अकेला हूँ यहाँ पर, सो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी जो मेरी कज़ा नमाज़ थी वो भी मैंने पढ़ ली और वैसे भी नमाज़ पढ़ ली जोहर की। थोड़ी सी मस्जिद आपको बाहर से दिखाते हैं और फिर चलते हैं यस मॉल। इन शूज़ के लिए एक अलग सेक्शन बना दिया हुआ है, जिस तरह कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपने शूज़ उतारते हैं, फिर आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं और बाहर टूर बेसिकली गाइड्स के साथ लोग टूर पे भी जा रहे हैं जो कि मस्जिद के बारे में समझ रहे हैं कि क्या है यहाँ पर, क्या होता है। इसलिए बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई है, जैसे हमारे वहाँ पर बादशाह की होती थी ना। I got to find lucky. About Sheikh Zayed Grand Mosque. You can visit the interior. It is laid with semi-precious stones. Here from the exterior area. That's right. चीज़ें अपनी टेंट वाले एरिया में भूल गया था क्योंकि मेरे बैग से उन्होंने निकाली थी, मेरा माइक वगैरह कुछ था। सो आई एम गोइंग बैक। सो अगर आप गार्ड को वहाँ पर कहेंगे ना कि मुझे टैक्सी चाहिए तो आपको टैक्सी टेंट के पास ही बुला देगा, सो यू वॉन्ट हैव टू वॉक वेरी फार, विच इज़ ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ वी ऑफ टू या स्मॉल और यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। ये ग्लास डोम है बेसिकली जहाँ से अब लोग अंदर जाते हैं। सो सारा अंडरग्राउंड बेसिकली आप वॉक करके जाते हो और वहाँ से यहाँ तक आते हो। I remember coming to this mall in 2014 and to be honest ab yahan par literally sirf like gini chuni shops thi, kuch bhi zyada nahi tha. So I guess yahan par koi na koi events hote honge. इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और मेरा प्लान है भाई थाली खाने का। मैंने बड़ी देर से प्लान बनाया हुआ था, एक जगह देखी थी थाली की, सो आई वॉन्ट टू ट्राई दैट। लेट्स जस्ट होप कि वो रेस्टोरेंट एग्जिस्ट करता हो। सो गाइस उस साइड पे तो चॉइस थी ही, यहाँ पर भी है बॉस्फोरस जैसे टर्किश रेस्टोरेंट, देन अल फनार है ये भी अरबिक है, देन देयर इज रेन फॉरेस्ट कैफे। और हम वहाँ नीचे जा रहे हैं फरारी वर्ल्ड, यहाँ मैं पहले भी आया हूँ पर अब मैं ज़किया को लेके आना चाहता हूँ, इंशाल्लाह ज़किया से उधर आएंगे। सो दिस इज द रेस्टोरेंट आई वाज रीडिंग अबाउट, तीन ये क्या है आम पना, वेलकम ड्रिंक्स आम पना, ओके डाल दो दूसरा दे दे।
राजमा, पनीर, कैबेज। कैबेज? यस सर। फुल्का, पूरी और रोटला, बटर गुड। ये क्या है? मैंगो, मैंगो आमरस। आमरस हलवा, ये क्या है? बटर साथ में दिया जी हमने ये बादाम का दूध और दिस इज मैंगो ड्रिंक। ओके सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज माय फर्स्ट इंडियन थाली एक्सपीरियंस। जीरो ये बादाम मिल्क जिसको कह रहे हैं ना, ये बेसिकली हम इसको लस्सी कहते हैं, तीन लगभग विच इज़ नाइस लाइक अ योगर्ट ड्रिंक। आमरस इज जस्ट मैंगो को जिस तरह मैंगो प्योरी होती है ना। रोटी सब्जी मंगो सर? सब्जी नहीं, मैं फिर बाद में ले लेता हूँ, बस टिश्यूज टिश्यूज मिल जाएंगे। ओके, प्लेन राइस, कर्ड राइस। फोर किस्म के चावल आए हैं जिसके अंदर खिचड़ी है, प्लेन राइस आ गया, देन देयर्स कर्ड राइस दही के साथ और वेज पुलाव है। सो आई एम स्टार्टिंग विद खिचड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है सर, देसी घी भी बनी है। अब आए कर्ड राइस। खीर स्टाइल चावल है पर नमकीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना अच्छा यार। सो बेसिकली इट्स वीकडेज के बीच 59 दिरहम्स की ये थाली है, अनलिमिटेड, आप जितना मर्जी खाएँ। ऑब्वियसली इफ़ यू ऑर्डर ड्रिंक उसका सेपरेट चार्ज होगा, पकाया सब कुछ इंक्लूडेड है, इवन लाइक वेलकम ड्रिंक, लस्सी है, बादाम ड्रिंक। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेस। अगर आप इंडिया से और अगर आप ऐसा खाना खाते हैं तो थम्स अप करना, सब्सक्राइब करें चैनल। खाना खा लिया, मैं सोच रहा हूँ कि डिज़र्ट कहाँ पर खाई जाए, ऑल्दो अभी मैं इतना फुल हूँ कि खा नहीं सकूँगा, बट आई रियली डू होप दैट ये ऑथेंटिक थाली एक्सपीरियंस हो मेरे लिए। एंड ओनली आई थिंक जो लोग रेगुलर खा रहे हैं इंडियन लोग वही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में ना मीठा बाद में खाते हैं, यूजली साथ नहीं होता है। सो इनका बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जिसमें, जिस तरह रोटी पे गुड़ भी था, मक्खन भी था, कुछ सालन मीठे थे। वो यार बाहर आ गया मैं थोड़ी देर क्योंकि अंदर बहुत ठंड लग रही थी। अब मैं जाऊंगा इसके बाद डिज़र्ट खाने और आई एम थिंकिंग कि टाइम पास करने के लिए सिनेमा चले जाऊं, मूवी देख लूं और उसके बाद वापस एयरपोर्ट। सो गाइस आई एम जस्ट गेटिंग समथिंग फॉर माय वाइफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉस्टेज की काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें लगी हुई हैं एंड सबसे मज़े की ये चीज़ है, ये आप इस्तांबुल की ब्लू मॉस्क देख सकते हैं एंड ये सारा कॉस्टेज हुआ हुआ इसके ऊपर, ये जितने पेपर हैं। एंड दिस लवली पर्सन जस्ट सोल्ड मी अ पीस। So yeah, there's lots to do in Abu Dhabi. So as I was saying, Abu Dhabi में भी बहुत कुछ है करने को, मैं बोर हो गया हूँ to be honest, because मेरा बहुत लंबा स्टॉप ओवर है। बट अगर आपका स्टॉप ओवर इतना लंबा हो and if you've not been to Abu Dhabi, then there's a lot to do. जैसे Emirates Palace हो गया, beaches हो गए, Ferrari World, but because I've done some of the stuff before and कुछ चीज़ें जो मैं अपने बेटे के साथ करना चाहता हूँ, which is why मैं अब बोर हो चुका हूँ। मैंने कुछ चीज़ें तो करनी थी बट सुबह 10 बजे से आए हुए हो ना, फिर आपका दिल करता है कि अब वापस जाओ। सो दैट्स व्हाई लेट्स गो। सो पहले वजू करते हैं यहाँ जाके और फिर नमाज पढ़ते हैं।
गाइस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है बोरल्स पाइल अप करने का भी और प्लास्टिक ताकि बाहर भी ना जाए और एक जगह भी रिसाइकलिंग के लिए जमा हो जाए। पता है मुझे भी नहीं पता कि मूवीज कौन सी आई हैं पर आई नो गारफील्ड आई रही है सो देखते हैं। एक मिनट निकल आया सो लेट्स गो। सो गाइस आई गॉट लज़ानिया पॉप्स वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर आ रहा है और वहाँ पर मैं पोस्ट करूँगा क्योंकि बैटरी कम है आई डोंट नो ये बंद हो जाएगा। सो दिस वाज माय डे इन अबू धाबी यूके इसके बाद मैं सीधा एयरपोर्ट जाऊँगा और फिर जाऊँगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। सो आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग एंड कोई भी सवाल हो लिख दिएगा उससे बात कर लेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखें फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।